हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? और बताइए क्या हाल चाल है आजकल। जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि घर का कोई चला गया एकदम सूना सूना हो जाता है घर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो स्पेशली अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई भी नहीं रहता है, मीन्स अगल बगल, तो खुद को ही सारा दिन मैनेज करना होता है। सेल्फ बातें, सेल्फ सब कुछ, सेल्फ सब कुछ। तो सेल्फ मीन्स जैसे अगल बगल कोई है नहीं, तो सारा दिन फ़ोन देखना, सारा दिन टीवी देखना, सारा दिन काम करना, और इतना सब करने के बाद भी अगर आप थक जाओ तो फिर बच्चों के साथ थोड़ी सी नोकझोंक करना अच्छा लगता है। तो मेरी छोटी बेटी हैं इस समय लेटी, और वो मेरे से काफ़ी देर से बोल रही हैं कि मम्मा कहीं चलो आओ चलते हैं, तो आपने तो अच्छे से रेडी भी हो। तो उसको लगता है कि जब मैं अच्छा सा कुछ पहन लूँ या हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा लूँ, तो उसको लगता है मम्मा आज रेडी हो गई और कहीं जाने का प्रोग्राम बनना चाहिए। तो वो मेरे से करीब माँ चलो थोड़ी सा कहीं चलते हैं, कहीं घूम आते हैं। और उसका घूमना स्पेशली जानते हैं क्या होता है, उसको बस घूमना होता है पार्क। उसको पार्क बहुत पसंद है, पार्क जाना। तो मेरे घर से पार्क मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट का है, लेकिन फिर भी मुझे दूर लगता है। मुझे लगता है अरे यार कहाँ जाएंगे, थोड़ा घर में आराम करो तो मैं थोड़ा सा आराम पसंद हूँ। तो मुझे बाहर जाना बेवजह बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि विदाउट काम मैं बाहर निकल जाऊँ या कुछ और कर लूँ, कुछ भी नहीं। तो कहती चलो मम्मा पहले मंदिर चलेंगे, मंदिर जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से कुछ खाएंगे और उसके बाद पार्क चले जाएंगे। तो मुझे खाना तो पसंद है कि चलो बाहर जाके कुछ खा के चले जाते हैं, लेकिन मंदिर जाना और स्पेशली पार्क जाना, मंदिर जाती हूँ कभी कभी दर्शन करने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन स्पेशली मंदिर जाना भी मुझे कम पसंद आता है कि लगता है अरे यार घर में जब तक जाएंगे तब तक घर के चार काम हो जाएंगे, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है मुझे। इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे घर में, और सोचती हूँ कहाँ जाऊँ, तो कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है क्योंकि छोटी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बड़ी बेटी के प्री एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इस वजह से कहीं प्रोग्राम बनता भी है ना जाने का, तो प्रोग्राम बिल्कुल बन जाएगा फिर उसके बाद कैंसिल हो जाता है कि हटाओ छोड़ो रहने दो बाद में जाएंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी बेटी का है इस बार 10th है, तो एग्ज़ाम उसका होने वाला है अभी फरवरी में होंगे, लेकिन अभी उसके प्री एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बार बार होने लगते हैं कि कोचिंग में भी स्कूल में भी, तो उसकी प्रिपरेशन में वो काफ़ी बिजी है, उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। और मेरी छोटी बेटी मेरी ही तरह मस्त मौला है, उनको आप खाने को दो तो ठीक है, ना दो तो ठीक है, बट घूमना ज़रूरी है उनके लिए। और अभी लेटी हुई है, अंगूठा पी रही है अंगूठा उसको पीना बड़ा अच्छा लगता है वो कह रही मम्मी अच्छा इधर आओ, नहीं नहीं आ रही है कह रही आपने चीटिंग की है, मेरी बातें बता रही हो। सीक्रेट नहीं है बेटा, बच्चों का सीक्रेट नहीं होता है। अच्छा ठीक है, सीक्रेट सही कह रही, बच्चों का सीक्रेट होना चाहिए। तो क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही मस्ती करते हैं, अंगूठा पीते हैं या नहीं पीते? किस एज तक के बच्चे आपके अंगूठा पीते हैं या पीते थे जो छोड़ दिया उन्होंने पीना? और मेरी बेटी सोते सोते उसको चाहिए होगा अंगूठा, और अंगूठा जब पिएगी तो अकेले अंगूठा नहीं पिएगी, उसको साथ में चाहिए होता है एक छोटा सा कपड़ा और उसको चाहिए होता है एक छोटा सा कपड़ा, उस कपड़े का एक धागा देखिए वीडियो नहीं बनाने दे रही है, हाँ नहीं बताएंगे है। तो उसको चाहिए होता है एक छोटा सा कपड़ा, नहीं नहीं बता रहे ना, तो उसको चाहिए होता है एक छोटा सा कपड़ा, और उस छोटे से कपड़े में भी उसको एक धागा चाहिए होता है, और उस धागे का वो स्पेशल यूज करती है वो बताएगा। अच्छा ठीक है, नहीं बता रहे तो वो कह रही है हाँ बाबू आपकी कसम मानूंगी, तो वो कह रही मम्मा ये सीक्रेट मेरा मत बताइए, और अपनी कसम मुझे दे रही। तो बच्चे की कसम की लाज रखते और नहीं बताते उसका उस धागे का वो क्या करती है। तो आप लोग की कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, और क्या आपके बच्चे भी अंगूठा पीते हैं, और फेस्टिवल आफ्टर क्या आपको भी घर में सूना सूना लगता है जैसे कि मुझे लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत सूना सूना लगता है। फेस्टिवल आता है तो अलग से एक्साइटमेंट होती है कि वाओ फेस्टिवल आ गया, घर भर जाता है, लगता है कोई गेस्ट आ गया, और जब फेस्टिवल जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे कोई गेस्ट चला गया, काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, तो उसके जाने के बाद बहुत ही सूना सूना सा महसूस होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय।